आरसीबी हारी तो सीएसके का खिलाड़ी भूला हद, खुलेआम ऐसी हरकत से उड़ाया आरसीबी का मजाक। ट्रोल होने के बाद किया इंस्टाग्राम से अपने पोस्ट को डिलीट। आरसीबी को आईपीएल के एलिमिनेटर में हराने के बाद जितने खुश राजस्थान के फैंस नहीं हैं, उससे कई ज्यादा खुश तो सीएसके के फैंस नजर आ रहे हैं और आरसीबी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एलिमिनेटर में हार के बाद एक बार फिर से आरसीबी का पहला आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना टूट चुका है। इस हार ने जहां आरसीबी फैंस को निराश कर दी, जैसे कि पिछले 16 सीजन से निराश करते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही वहीं आरआर के फैंस तो उतना इस जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं, लेकिन आरआर से ज्यादा सीएसके के फैंस सोशल मीडिया पर आरसीबी का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरसीबी की हार पर मीम की बाढ़ आ चुकी है। सीएसके के फैंस ही नहीं, अब तो सीएसके के खिलाड़ी भी आरसीबी को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आरसीबी ने सीएसके को हराकर एलिमिनेटर में पहुंची थी। सीएसके की हार के बाद आरसीबी फैंस सीएसके फैंस के साथ बदसुलूकी पर उतर आए थे। ऐसे में सीएसके फैंस ने आरसीबी की हार का फायदा उठाया और सीएसके की हार वाले दिन का बदला ले रहे हैं। वहीं अब सीएसके के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने आरसीबी को ट्रोल किया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि फैंस तो आपस में भिड़ते ही रहते हैं, मगर किसी खिलाड़ी को दूसरे टीम की हार पर मजे लेते हुए बहुत ही कम देखा गया है। दरअसल आरसीबी की हार के बाद सीएसके फैंस ने सोशल मीडिया पर आरसीबी का मजाक उड़ाते हुए एक मीम शेयर किया था। आरसीबी से सीएसके को मिली हार का असर तुषार देशपांडे पर इतना ज्यादा था कि वो अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख सके और इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मीम को शेयर कर दिया। साथ ही लिखा, सीएसके के फैंस अलग तरह से बने हैं। इसके बाद सीएसके के खिलाड़ी तुषार देशपांडे की ये स्टोरी वायरल होने लगी। सीएसके फैंस जहां तुषार देशपांडे को इसके लिए शाबाशी दे रहे हैं, वहीं आरसीबी फैंस नाराज हो गए, क्योंकि आमतौर पर क्रिकेटर दूसरे टीम को ट्रोल नहीं करते हैं। वहीं कुछ ही मिनट में तुषार देशपांडे को इस बात का अंदाजा हो गया कि उनसे गलती हो गई है। कुछ देर बाद ही तुषार देशपांडे ने स्टोरी को डिलीट कर दिया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और ये पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। अब आरसीबी फैंस अगले सीजन में तुषार देशपांडे से बदला लेने का इंतजार कर रहे हैं।